हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। और मैं आप लोग का टॉपिक चल रहा था मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। क्या टॉपिक था, सब्जेक्ट था हमारा? ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, यह हमारा सब्जेक्ट चल रहा था। ठीक है, तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए। मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा देख नहीं रहे हैं। आप अधिक से अधिक देखिए, केवल सुन के ही आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक ना, हमारा क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या आशा है? स्क्रीन पे देखिए, दिखाई दे रहा है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या आशा है, इसकी वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, पॉइंट लिखा गया है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब है कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर, कंज्यूमर जो होते हैं, हम आप जैसे हैं, उनको उचित मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध कराना। सरकार की यह पॉलिसी होती है कि वह जितने भी हमारे देश में नागरिक हैं, लोग व्यक्ति हैं, कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उसको उचित मूल्य पर वस्तुओं उपलब्ध कराए। मान लीजिए वो सबको एक ही दाम पर वस्तुएं नहीं उपलब्ध होंगी, तो किसी को किसी रेट पर, किसी को किसी रेट पर, तो अव्यवस्थता फैलेगी। अव्यवस्था फैलेगी तो वहाँ पे बहुत शोषण एक तरह से होगा। इसीलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई गई है कि सभी व्यक्तियों को, देश में रहने वाले हर नागरिक, हर उपभोक्ता को एक मूल्य पर, उचित मूल्य पर दुकानें आसान वस्तुएँ आसानी से प्राप्त हुए। देखिए, इसका डेफिनेशन भी लिख दिए हैं कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। अर्थात जितने भी देश में उपभोक्ता हैं, उनको उचित मूल्य पर जितने भी अनिवार्य अर्थात आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। प्रश्न में ये भी कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति इसकी क्या होती है? वर्तमान स्थिति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को वस्तुओं उपलब्ध कराने के लिए ये चार व्यवस्थाएं अपनाई गई है। ठीक है, पहली व्यवस्था है कि उचित मूल्य पर राशन की दुकानें, दूसरा है उपभोक्ता सहकारी भंडार, तीसरा है मिट्टी के तेल के विक्रेता, और चौथा है सुपर बाजार। उचित मूल्य एवं राशन की दुकानें का मतलब है कि देखे होंगे हर गाँव, देश, कस्बे, शहर वगैरह में एक ही मूल्य की दुकानें, सरकारी दुकानें होती हैं। ठीक है, उचित मूल्य की दुकानें जहाँ पर सभी को एक मूल्य पर राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। देश में काफ़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर लगभग लगभग 5 लाख के आसपास राशन की दुकानें हैं। ठीक ना, जिसके कार्ड धारकों को मिट्टी का तेल या आवश्यकता अनुसार चाय, साबुन या अन्य कोई सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, दूसरा है उपभोक्ता सहकारी भंडार। देश में बहुत सारे उपभोक्ता सहकारी भंडार हैं। सहकारी भंडार में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समितियां जितनी आती हैं, क्योंकि वो किसानों को उचित मूल्य पर खाद बीज या राशन की दुकानें या हल बैल ट्रैक्टर या ऋण की सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये उपभोक्ता सहकारी, यहाँ तक कि कपड़ा वगैरह भी देने का कार्य बहुत सारी संस्थाएं करती हैं। अगला है तीसरा, मिट्टी के तेल के विक्रेता। जितने भी मिट्टी के तेल के विक्रेता हैं, देखे होंगे सरकारी कोटेदार जो होते हैं मिट्टी के तेल बेचते हैं, और भी मिट्टी के तेल के अलग अलग विक्रेता होते हैं जो सभी एक ही रेट पर वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। मिट्टी के तेल के विक्रेता में लगभग इस समय लगभग 25,000 के आसपास मिट्टी के तेल के विक्रेता जो शहर, गाँव, कस्बों वगैरह में ईंधन के लिए मिट्टी के तेल उपलब्ध कराते हैं और सबको एक ही मूल्य पर देते हैं। लेकिन ये उन्हीं को देते हैं जिनके पास वास्तव में कुछ कार्ड वगैरह होता है। लास्ट है और अंतिम है सुपर बाजार। सुपर बाजार आज का आधुनिक बाजार होता है। आधुनिक बाजार बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहा है, यहाँ तक कि बड़े बड़े कस्बों, शहरों, नगरों, महानगरों में इसका ज़्यादा बोलबाला है, जहाँ पे एक व्यक्ति को जितनी भी आवश्यकता की वस्तुएँ होती हैं, अनिवार्य वस्तुएँ होती हैं, बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। जितना चाहें, जैसा चाहें, जिस प्रकार का चाहें, जिस रूप रंग मूल्य का चाहें, उस रूप रंग यहाँ का प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे कस्बों में भी सुपर बाजार खुल रहा है, जिसे सिटी मॉल के नाम से जाना जाता है। यही इसकी वर्तमान स्थिति है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।
कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसके बारे में डिफाइन किया गया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति, ये तो मेन टू द पॉइंट्स आपको बताया गया है। अब ये तो इसी पॉइंट के आधार पर इसी वीडियो को, इसी लेक्चर को सुनकर आप अधिक से अधिक इस अपना विवेक लगाकर क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। फिर अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता वस्तुओं के विपणन से क्या तात्पर्य है, इसकी वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, उपभोक्ता वस्तुओं को विपणन, देखिए लिखा हुआ है उपभोक्ता वस्तुओं को विपणन से आशय क्या होता है, कि वे वस्तुएं जो अनेक बार प्रयोग में लाई जाती है और लंबे समय तक प्रयोग में लाई जाती है, यहां तक जीवन काल निरंतर चलता रहता है, उसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना, तो उसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं में हर प्रकार की वस्तु, जैसे कि हम आप हैं, जितनी भी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, खाने पीने से लेकर कपड़ा लत्ता पहनने से लेकर चलने फिरने से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे दवाई हो, चाहे अपने सुख सुविधाएं वाली वस्तुएं हों, इस सारे उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी में आता है। जैसे मान लीजिए खाद्य पदार्थ, जैसे धान, गेहूँ, चावल, आटा, गेहूँ, नमक, तेल, खाद्य पदार्थ में ऐसे आराम विलासिता की वस्तुएं जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर वगैरह ये सब है, ठीक ना, अपना साज श्रृंगार की वस्तुएं जैसे मान लीजिए क्रीम पाउडर वगैरह एनीथिंग, ठीक है, और भी मेडिसिन वगैरह है, कपड़े लत्ते वगैरह हैं, ये सब क्या कहलाती है, उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है, जिसका उपयोग हर एक कंज्यूमर, हर एक व्यक्ति अब बड़े पैमाने पर करता है। कब तक करता है, उस जन्म से लेकर वो मृत तक उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, उपभोक्ता वस्तु कहा जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं का जो विपणन होता है, ध्यान दीजिएगा इधर लिखा गया है कि जब मैन्युफैक्चरर्स अर्थात निर्माता वस्तु का उत्पादन करता है, अर्थात किसी जब फैक्ट्री में बनती है, तो वह सीधे कहाँ जाता है, थोक विक्रेता के पास जाता है। थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी के पास आता है और फुटकर व्यापारी से के बाद कंज्यूमर अर्थात उपभोक्ता के पास आता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आइए अब इसके बाद जानते हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या है। उपभोक्ता वस्तुओं के हमने दो कैटेगरी में बांटा, एक टिकाऊ वस्तुएं, एक अटिकाऊ वस्तुएं। इस पे अंतर भी आ सकता है, जो पिछले वीडियो में मैं आपको बताया हूँ। टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं और अटिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। टिकाऊ वस्तुएं और अटिकाऊ वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिसका उपयोग हम लंबे समय, मतलब एक बार क्रय करने के बाद, लेने के बाद उसका प्रयोग हम निरंतर कई वर्षों तक करते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बाइक है, गाड़ी है, ठीक ना, फोर व्हीलर, टू व्हीलर वगैरह है, कपड़े लत्ते हैं जिसका उपयोग हम लंबे समय तक के लिए करते हैं, ठीक ना। इसी तरह मेज, कुर्सी, ये सब क्या है, फर्नीचर्स वगैरह जितने क्या है, टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम लंबे समय के लिए करते हैं। और टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है, कि ऐसी वस्तुएं जिसका इस्तेमाल हम बहुत कम समय के लिए, अल्प समय के लिए करते हैं, अर्थात लिए खाए पिए खत्म, फिर लिए खाए पिए खत्म, तो ये क्या कहलाती है, और टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है। और टिकाऊ वस्तुएं की क्या विशेषताएं होती है, इसका जीवन काल क्या होता है, बहुत लंबा होता है, लंबे समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा क्या होता है, ये अवसरवादी क्रय होता है, मैंने जब उसकी रोज नहीं क्रय किया जाता, जब इसकी आवश्यकता होती है तभी इसको क्रय किया जाता है, ठीक है, जिस क्रय किया जाता है। तीसरा है, इसका मूल्य अधिक होता है, जितनी भी टिकाऊ वस्तुएं होती है अधिकांशतः इसका दाम क्या होता है, मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। अगला, इसका एक ब्रांड भी होता है, लोगो भी होता है, ठीक ना, मैंने एक बड़े ब्रांड, एक कंपनी में इसका निर्माण मैन्युफैक्चरिंग होता है जिसको पूरा देश जानता है। अगला है, प्रतिष्ठा सूचक होती है, जितनी भी टिकाऊ वस्तुएं होती है वो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सूचक होती है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। और टिकाऊ वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं अभी बताएं, जिसका इस्तेमाल लंबे समय तक हम नहीं कर सकते अर्थात अल्प समय के लिए कर सकते हैं, तो इसकी क्या विशेषता होती है, ये दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है, मतलब एक इंसान को, एक व्यक्ति को जीने के लिए निरंतर उपयोग में लाई जाती है, अर्थात इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात दैनिक जीवन के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। ये अनेक दुकानें, यह जो होती है अटिकाऊ वस्तुएं, इसका बहुत सारी दुकानें होती हैं, अर्थात गली मोहल्ले चौराहे कस्बे बड़े बड़े शहर नगर महानगर हर जगह उपलब्ध होती हैं, जहां भी चाहे, हमको मान लीजिए नमक की जरूरत है, बगल ही में जाके मिल गया क्योंकि बगल में दुकान है, अर्थात जितने भी मतलब आवश्यक सामग्रियां हैं जिसको हम निरंतर इस्तेमाल करते हैं, इसकी दुकानें भी हर जगह उपलब्ध होती हैं। ये हल्की और सस्ती भी होती हैं, हल्की और सस्ती का मतलब है कम वजन की होती हैं और कम दाम की भी होती है, क्योंकि उसका लाना है, इस्तेमाल कर लेना है, फिर लाना है, इस्तेमाल करना है, निरंतर ये चलता रहता है। अगला है,
क्रय को टालना संभव नहीं, इसको मतलब खरीदना संभव नहीं, टालना संभव नहीं। जैसे अभी हमको जरूरत है कि मान लीजिए 1 किलो चावल चाहिए, आटा चाहिए, नमक चाहिए, खाना है तो चाहिए ही चाहिए, चाहे जहाँ से भी खरीदे जैसे भी खरीदे, इसको संभव टल नहीं है, लेकिन इसको टालना संभव है। ठीक है, अगला है वस्तुएं सामान्य बाजार में होती है, कोई भी नॉर्मल बाजार में हो वहाँ पर टिकाऊ वस्तुएँ उपलब्ध आसानी से हो जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर क्या सुने कि उपभोक्ता वस्तुओं के विपणन से क्या आशय है, इसकी वर्तमान स्थिति या इसके प्रकार या इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो अभी बताया गया उपभोक्ता वस्तुओं को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, दोनों पे करेक्टर्स अर्थात इसकी विशेषताएं बताई गई। तो इसी के साथ आज का ये 2 लॉन्ग का क्वेश्चन 20 मार्क्स का हमारा समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप ब्रेक करते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंडों को भी बताएं ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, ओके।